नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज मी अमराज। और आज हम लोग खेलेंगे एक बढ़िया गेम, अब तक तो जोदू बना रहा था, मार्वल स्पाइडरमैन फैन मेड गेम। और इस गेम को बनाया है आर यूजर्स कंपनी ने, तो बहुत ही गजब का गेम है यार। तो ये है अपना स्पाइडरमैन, थोड़ी ग्राफिक्स थोड़ी कमज़ोर है, बट जो भी है मेरे को तो पर्सनली बहुत गजब का गेम लगा। सामने की साइड अपना पहला मिशन जो है चालू हो चुका है। भाई साहब ग्राफिक्स देखो आप बस एक बार, ऐसी ग्राफिक्स आपको PS4 पे देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पर आपको मिल रही है, सोचो कितनी मेहनत करी होगी इन लोगों ने। और मात्र 300 MB का गेम बनाया ये, थोड़ा इन लोगों को और डेवलप करना पड़ेगा इस गेम के बारे में, बट जो भी है बहुत अच्छा बनाया है। थोड़े सी ग्लिचेस वगैरह भी हैं इसकी तो, बंदा भी उतार दिया और ये कार भी रोक दी लोगों ने। थोड़ा सा मतलब ग्लिच वगैरह हो रही है बट बाकी सब कुछ ठीक है। यू हैव फिनिश्ड द वर्जन ऑफ ओके। तो इस वाले वर्जन में जो है पहला ही एपिसोड आया है, मतलब एक ही मिशन दे रखा है इन लोगों ने, आगे और मिशंस आएंगे चिंता मत करो, मगर इसमें तो भाई साहब एक ही मिशन है जैसा कि लोगों ने मैसेज दिया है। तो हम लोगों को इस सिटी को घूम लेना चाहिए थोड़ा सा, ताकि पता चले कि क्या है इधर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शूट्स भी ऐड किए, देखो ये कौन सा, ये तो मैंने देखा है। और ये अपना स्पाइडरमैन 1 का सूट है, ये दूसरा, ये तो मेरे को मालूम है, ये वो वाला है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का सूट है, डिफेंस अमेजिंग स्पाइडरमैन का सूट है ये। और ये अपना सादा वाला, ये है अपना सादा स्पाइडरमैन। और ये अभी जो चल रहा है नया नो वे होम वाला, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये वाला कुछ ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ये क्लासिक सूट है एक। इसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग। ओ भाई देखो कितना मतलब फील ले पा रहा हूँ कि मैं असली स्पाइडरमैन बन गया, वैसे ये सूट ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। मिशंस कुछ नहीं है, मिशंस कुछ नहीं है, अपना ये वाला सूट देखो। बस पर्सनली मेरे को ये सूट ज़्यादा पसंद आता है, बट अभी क्लासिक में जो है यही सूट है जो कि पीटर पार्कर चला रहा है, टॉम हॉलैंड। पानी में जाके देखता हूँ क्या होता है। पानी में क्या मरने वाला हूँ मैं, पानी में तैर भी सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या होगी अच्छी बात। थोड़ी भागने की इनकी शक्ति देख ली जाए, ओके। तो मेरे को पर्सनली ये सबसे ज़्यादा, ये इसके स्विंग लैप स्विंग जो है ये सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। इधर कुछ और भी लिख रखा है बोर्ड पे, ये देखते हैं पहले। ओके, मगर एक चीज़ इन लोगों की कमी रह गई है, ये दीवार पे चढ़ने की शक्ति, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनको थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा इनको। बाकी ये गेम में सब कुछ सही है, ये क्या दे रखा है। ओके, लगता है आर यूज़र का नया गेम है रिसेंट डाउन, इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे बहुत जल्द, तब तक तो यही ट्राई करने वाले हैं ना। थोड़ा और इनको डेवलप करना पड़ेगा, वैसे ये बेटा वर्जन है, अभी बहुत कुछ आना बाकी रह गया इस गेम में। शैडोज काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है मगर इतना भी नहीं। ये आ गया आर यूज़र का बोर्ड,
फॉर मोर गेम्स आप इसमें वॉच डॉग्स एक्सेट्रा बहुत सी गेम हैं जो कि ट्राई कर सकते हैं इस सिटी में। ऊपर क्या दे रखा है उसको एक बार पढ़ते हैं। देखो यार ग्राफिक्स देख सकते हो आप, चढ़कर तो रहूंगा मैं। ओ यहाँ पर तो बंद ही है, ये दीवार वगैरह सब बंद है। सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाके बैठते हैं वो रही, क्योंकि उधर तो बंद है, अभी हम लोग इधर ही चल सकते हैं। इसका देखो जाला अपने साथ ही आ रहा है। ओके तो इस बार तो हम लोगों ने इतना ही खेला है, आगे भी खेलते हैं जब तक इसका नया वर्जन आता है तब तक। और बैठने का स्टाइल यार थोड़ा और चेंज करो, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ जान ही नहीं है। क्लासिक वाला भी खेला, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। हाँ तो आई थिंक गेम अपना कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तो चला घूमने, आप सब्सक्राइब करके ही जाना।